अब भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। राधा जी से पहले हो चुका था। मैं पहला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये विवाह अब द्वारिका में हो रहे हैं, वृंदावन में जो हो चुके वो अलग है। रुक्मणी जी से माँ का विवाह, रुक्मणी मैया से विवाह हुआ। प्रद्युम्न जी प्रकट हुए। प्रद्युम्न जी का समरा सुर ने, भगवान ने समरा सुर का प्रद्युम्न जी ने उद्धार किया और रति से विवाह किया। श्री भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जामवती से। तीसरा विवाह सत्यभामा से। चौथा विवाह यमुना जी से, मैया से। पांचवा मित्र विंदा से। छठवा सत्या से। सातवा भद्रा से। आठवा विवाह लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम का एक राक्षस था। एक अब देखो यहाँ पर, अब आप लोगों से कहा जाता है ना कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए, उत्तर सुनो क्यों किए, ताकि आपसे कोई सवाल करे तो आप बता सको। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। क्या नाम था आपको भौमासुर का नाम याद रखना हो तो मैं याद करने की ट्रिक भी आपको बता दूं। भूमि, भूमि जानते हो, भूमि से भौमासुर याद रखना, भूमि से भौमासुर। एक राक्षस था, क्या नाम था, भूमि पुत्र ही था, पृथ्वी पुत्र था। नाम क्या था, जोर से, भौमासुर। भौमासुर नाम का राक्षस था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। उन कन्याओं ने पत्र लिखा भगवान को। भगवान को पता चला कि इसने कन्याओं के साथ अत्याचार किया, गए। भगवान ने भौमासुर को मारा, कन्याओं को उसके जेल से आजाद किया। भगवान ने कन्याओं से कहा जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा हे प्रभु, अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, हम घर जाएंगे तो घर वाले रखेंगे नहीं, हमारा विवाह होगा नहीं, हमें किस कहा जाएगा कि तुम पराई पुरुष के पास रहकर आई हो, कौन स्वीकार करेगा बताओ। ऐसी नारियों को कोई स्वीकार करता, और वो भी उस जमाने में उन कन्याओं को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। समाज में जिन नारियों के सिवा, मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, इन नारियों को भगवान ने पत्नी बनाकर, जब उन्होंने कहा आप हमारे पति बन जाओ, भगवान ने कहा ठीक है। उन अपमानित नारियों का सम्मान बढ़ाने के लिए भगवान ने उन नारियों के साथ विवाह किया, उन लोगों के कहने पर। बताओ भगवान ने सही किया कि गलत। जिन नारियों का अब कोई भविष्य नहीं था, उनको पत्नी का सम्मान दिलाया भगवान ने, तो सही किया कि गलत। तो टोटल विवाह हो गए 16,108। आप लोग अपने गले में तुलसी की माला भी पहना करो सब लोग, बिना तुलसी के नहीं होना चाहिए गला। सनातनी हो तो सनातनी टाइप के रहो। तुलसी की माला, तुलसी का सोने का मंगल सूत्र है, तो वो इस पति के लिए है, और उस पति के लिए तुलसी का मंगल सूत्र धारण करो। हे प्रभु हम आपके संबंध है। अरे पति से संबंध होता है तो पति के नाम का मंगल सूत्र होता है, तो भक्त और भगवान का संबंध है, रिश्ता है, उस रिश्ते के लिए भी तो कोई ना कुछ होना चाहिए। तो तुलसी क्या धारण करो, क्या तुलसी गले में। तो भगवान ने 16,108 टोटल विवाह कितने भाई भगवान के, हर रानी के गर्भ से 10 बेटा हुए और एक एक बेटी हुई। भगवान की 16,108 तो केवल बेटियां थी, और इतना विशाल परिवार था भगवान श्री कृष्ण का, इतना बड़ा परिवार था, फिर भी भगवान प्रसन्न है। और आपका एक विवाह के बाद आप रोते रहते हैं, और भगवान कितने हो गए फिर भी बांसुरी बजा रहे, मुस्कुरा रहे। इसलिए मेरी माँ थोड़ा मुस्कुराया करो, आप लोग मुस्कुराया करो मेरी माँ। क्या करेंगे आप लोग, मुस्कुराएंगे हर स्थिति। देखो स्थितियां परिस्थितियां बनती और बिगड़ती रहेंगी, पर आपको सदा मुस्कुराना है, सदा खुश रहना है, जिंदगी गुजारना है तो हंसते मुस्कुराते गुजारना है कि रोते रोते।
हाँ हंसते हंसते कट जाए रसते जिंदगी यूं ही। तो आप लोग हंसते हंसते जिंदगी गुजारेंगे, सास कैसी हो, बहू कैसी हो, स्थितियां परिस्थितियां कैसी हो, फिर भी आप, भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सदा मुस्कुराओ, सदा मुस्कुराओ, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है इस जहां में जीना आ गया। मुस्कुराओ।